इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सवाल और उनके जवाबों के बारे में बात करने वाले हैं जो अक्सर आपसे इलेक्ट्रीशियन या फिर सुपरवाइजर के इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं और अगर इनका सही से जवाब आप नहीं दे पाते हैं तो आपका सिलेक्शन कहीं पे भी नहीं हो पाता है तो ऐसी कंडीशन में आपको ऐसे सवालों के जवाब जरूर आने चाहिए तो ऐसे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को देखते रहिए साथ ही हम इलेक्ट्रीशियन और सुपरवाइजर के इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर के सीरीज का एक फ्री कोर्स भी बना रहे हैं जिसको आप डिस्क्रिप्शन से दिए गए हमारी प्ले लिस्ट के लिंक से देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस कोर्स में सारी वीडियो फ्री मिलने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को तो सबसे पहले बात करते हैं वाई ट्रांसफॉर्मर रेटिंग इन केवी एंड नोट किलोवाट यानी जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी जो रेटिंग होती है वो केवीए में क्यों होती है किलोवाट में क्यों नहीं होती इसको आपसे कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है की जो हमारी मोटर होती है उनकी रेटिंग जो है वो किलोवाट में क्यों होती है उनकी रेटिंग के वी में क्यों नहीं होती तो देखिए बात की जाए ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग की के केवी में क्यों होती है तो जब हमारे ट्रांसफार्मर को मैन्युफैक्चर किया जाता है यानी बनाया जाता है तो ट्रांसफार्मर बनाने वाले को ये नहीं पता होता कि इसके ऊपर हम किस टाइप का लोड कनेक्ट करने वाले हैं अब किस टाइप के लोड से मतलब ये होता है कि जो हमारे लोड होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं एक इंडक्टिव लोड एक रजिस्टिव लोड और एक कैपेसिटिव लोड ये जो तीनों ही लोड होते हैं इन तीनों ही लोड का जो पावर फैक्टर होता है वो पावर फैक्टर अलग अलग होता है और जो हमारा किलोवाट होता है उसको जानने के लिए हमारा पावर फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जो हमारा किलोवाट का फॉर्मूला है वो यही होता है किलोवाट इज इक्वल अंडर रूट थ्री की वैल्यू मल्टीप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट मल्टीप्लाई पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय केवीए ये फॉर्मूला होता है हमारा किलोवाट निकालने का इसके अलावा हम केवीए को सीधा सीधा पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करके भी अपने किलोवाट की जो रेटिंग है वो निकाल सकते हैं तो जैसे देखा आपने दोनों फार्मूले की मदद से हमें किलोवाट निकालने के लिए हर हालत में पावर फैक्टर की जरूरत पड़ती ही है तो ऐसी कंडीशन में जब हमें ये नहीं पता कि हम इसके ऊपर किस टाइप का लोड कनेक्ट करेंगे तो हमें पावर फैक्टर का भी पता नहीं होता तो इसी कारण से जो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग होती है वो केवीए में होती है क्योंकि केवीए के लिए हमें सिर्फ वोल्टेज और करंट की ही जरूरत पड़ती है जो हमारा केवीए होता है उसका फॉर्मूला वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट होता है इसकी मदद से हम केवीए को आसानी से निकाल सकते हैं अगर हमें केवीए से किलोवाट निकालना होगा तो हमें केवीए को पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है जैसे हमारा एक ट्रांसफॉर्मर है एक हजार वी का अगर यहाँ पे हमारा जो पावर फैक्टर है वो जीरो पॉइंट एट है तो हमारा जो किलोवाट आएगा वो आठ सौ किलो होगा अगर हमारा एक हजार का ट्रांसफॉर्मर उसपे जीरो पॉइंट नाइन का पावर फैक्टर चल रहा है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ हमारा जो किलोवाट होगा वो नौ सौ किलो वाट होगा ठीक इसी का जवाब आपसे मोटर के बारे में पूछा जाए तो आप ये दे सकते हैं कि जो हमारी मोटर होती है वो हमारा इंडक्टिव लोड होता है और इसका पावर फैक्टर हमें पहले से ही पता होता है इसी कारण से हम जो मोटर है इसकी जो रेटिंग होती है उसको किलोवाट में देते हैं एक सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारी बैटरियां होती हैं, उनकी जो रेटिंग होती है वो एमपीयर हावर में क्यों होती है जबकि जो हमारे ट्रांसफॉर्मर यूपीएस या मोटरें होती हैं, उनकी जो रेटिंग होती है वो केवीए में होती है या फिर किलोवाट में होती है जबकि जो हमारी बैटरियां होती है उनकी जो रेटिंग होती है वो ए एच में क्यों होती है तो देखिये सबसे पहले हमें ए एच का मतलब समझना होगा जो हमारा ए एच का मतलब होता है वो एमपीयर पर हावर होता है यानी एक घंटे में कितने एमपियर हमारी बैटरी रिलीज कर रही है तो इसके लिए आपको जो बैटरी होती है इस की वर्किंग भी समझनी होगी जो हमारी बैटरी होती है उसका काम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का होता है क्योंकि जो हमारी एनर्जी होती है चाहे वो किसी भी टाइप की एनर्जी हो हम एनर्जी को ना तो बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं हम एक टाइप की एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जी में सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं तो बैटरी की कंडीशन में जो हमारी केमिकल एनर्जी होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं तो यहाँ पे हमें यही पता लगाने की जरूरत होती है कि जो हमारा ये केमिकल बैटरी के अंदर है, वो एक घंटे के अंदर कितने एमपियर हमें जनरेट करके दे सकता है तो इसीलिए हम बैटरी की रेटिंग को एच में मेजर करते हैं इसके अलावा जैसे आप जानते हैं जो हमारी बैटरियां होती हैं वो हमें डीसी पावर अवेलेबल करवाती हैं और हमारी जो डीसी पावर होती है उसमें ना तो कोई फेस होता है और ना ही इसकी फ्रीक्वेंसी होती है और ना ही इसमें कोई पावर फैक्टर यानी रिएक्टिव पावर होती है तो इसीलिए हम यहाँ पे जो बैटरी की रेटिंग होती है उसको ए एच में मेजर करते हैं यानी एमपियर हावर में मेजर करते हैं इसके अलावा अक्सर आपसे सी और पीटी के बारे में भी पूछा जा सकता है अब सीटी और पीटी के बारे में अगर आप बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक वीडियो पहले ही बना रखा है इस वीडियो को आप अच्छे से समझ के इसका जवाब जान सकते हैं इसके अलावा सिटी और पी के बारे में हमने एक आर्टिकल भी लिखा है जिसको आप हमारी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसके अलावा ए और डी रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या होता है ये सवाल भी अक्सर कहीं न कहीं आप आपसे पूछ लिया जाता है तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो आखिर होता क्या है तो देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिकल करंट होता है जब वो किसी भी कंडक्टर के अंदर से फ्लो कर रहा होता है तो उसको फ्लो करने से जो चीज रोकती है यानी जो चीज बैरियर का काम करती है वो हमारा रजिस्टेंस होता है अब डीसी में जो हमारा रजिस्टेंस होता है उसको हम डायरेक्टली निकाल सकते है आरिजीकल वी बाय आई के फॉर्मूले से यानी वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट करके हम रजिस्टेंस को आसानी से निकाल सकते हैं है तो यहाँ पे हमारा ये रेजिस्टेंस सिंपल होता है इसको हम सिंपल रेजिस्टेंस बोलते हैं जबकि जो हमारा एसी सर्किट होता है वहाँ पे हमारे जो आर एल सी है ये काम करता है यानी यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो अलग अलग तरह का होता है एक सिंपल रेजिस्टेंस हो गया एक इंडक्टिव रेजिस्टेंस होता है और एक कैपेसिटिव रेजिस्टेंस होता है अब इसको निकालने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए फॉर्मूले की मदद ले सकते हैं इसकी मदद से हम जो हमारा रेजिस्टेंस है वो निकालते हैं तो इसी कारण से जो हमारा एसी रेजिस्टेंस होता है उसको हम इम्पीडेंस के नाम से जानते हैं तो ये हमारा एसी और डीसी रेजिस्टेंस में डिफरेंस होता है इसके अलावा एक मेन सवाल और आपसे पूछा जा सकता है जो होता है सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर के बारे में यानी सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर के बीच में डिफरेंस क्या क्या होते हैं तो देखिए जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है वो जो हमारे सर्किट है उनको ओपन और क्लोज करता है यानी ऑन और ऑफ करने का काम करता है साथ ही जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है वो ऑटो और मैनुअल दोनों तरीके से काम कर सकता है इसके अलावा हमारा सर्किट ब्रेकर ऑन लोड और ऑफ लोड दोनों कंडीशन में काम करता है इसके अलावा इसका मेन फैक्टर ये होता है जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है वो हमारे सभी डिवाइस यानी हमारे जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं उन सभी को अलग अलग तरह की प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाता है जैसे शॉर्ट सर्किट ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज ओवर करंट अर्थ फोल्ट कुछ ऐसी जो प्रोटेक्शन होती है हमारा सर्किट ब्रेकर ये हमारे सर्किट को प्रोवाइड करवाता है जबकि जो हमारा आइसोलेटर होता है वो भी सर्किट को ऑन या ऑफ यानी ओपन और क्लोज करने का काम करता है लेकिन ये सिर्फ एक तो मैनुअली काम करेगा ये ऑटो में काम नहीं करता है इसके अलावा ये सिर्फ ऑफ लोड काम करने के काम आते हैं आइसोलेटर ऑन लोड ऑपरेट नहीं होते हैं यानी हमारी चालू लाइन पे हम हमारे आइसोलेटर को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं इन सभी से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं इसके अलावा आपसे कभी इंटरव्यू में कोई और ऐसा सवाल पूछा गया हो जिसका जवाब आपको न आया हो तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं इसके ऊपर भी हम वीडियो बना के आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे इसके अलावा आप हमारा इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से जुड़ा फ्री का कोर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं और इलेक्ट्रिकल की और जानकारी के लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं